हम खड़े हैं मुरादाबाद के कंपनी बाग स्थित आरएन कॉलेज के आगे, जहां यूपी टेट की परीक्षा स्थगित होने के कारण परीक्षार्थियों को मायूस लौटना पड़ा। वहीं परीक्षार्थियों द्वारा जब जानकारी ली गई उनसे कि इस कब से वो तैयारी कर रहे थे, उनके द्वारा बताया गया कि वह काफ़ी समय से इस परीक्षा को लेकर उत्साहित थे और तैयारी के पूरे तैयारियों के साथ मुरादाबाद के केंद्रों पर पहुंचे, परंतु पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद ही उन्हें ये सूचना दी गई कि ये परीक्षा आउट हो गई है, जिस कारण परीक्षार्थियों को मायूसी हाथ लगी और सभी परीक्षार्थी वापस अपने अपने घरों को लौट गए। मुरादाबाद जनपद में अलग अलग स्थानों से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। जनपद में हजारों की संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए आए थे और अपने अपने केंद्रों पर पेपर दे रहे थे, लेकिन अचानक परीक्षा केंद्र के अंदर शिक्षक ने पहुंचकर परीक्षार्थियों को जानकारी दी कि पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द की जा रही है, जिस पर छात्रों में काफी आक्रोश है। परीक्षा लीक हो गई, कुछ काला पता चल पाया? नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं बताया था उन्होंने। 4 महीने, क्योंकि एग्जाम पहले जुलाई में होने वाला था, 25 जुलाई को। वहीं छात्रों ने प्रदेश सरकार को इस लापरवाही का जिम्मेदार बताया है। परीक्षा स्टार्ट करने के बाद में 15 मिनट के बाद में अनाउंस हुआ कि पेपर आउट हो चुका है और इन बच्चों से सारी चीज़ें ले ली जाए। जी, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा और इससे ज़्यादा समस्या की बात यह है कि अब ये नहीं कह सकते कि ये पेपर कब होगा, और इस पेपर पर जो अगली वैकेंसी जो टंगी हुई है सुपर टेट की, उसको देखते हुए ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। साथ ही पेपर लीक होने की खबर सुनकर छात्र मायूस होकर घर लौटने को मजबूर थे और इस बारे में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने क्या कहा, ये सुनते हैं। टेट की आज परीक्षा थी, 2 पारियों में थी। प्रथम पारी 10 बजे से प्रारंभ होना था। परिहार्य कारणों से उच्च स्तर से निर्णय लिया गया है कि परीक्षा स्थगित कर दी गई है और नई तिथियों की घोषणा बहुत जल्दी ही की जाएगी और छात्रों का हित सुरक्षित रखा जाएगा। और जो शासन की तरफ से बताया गया उसमें ये भी है कि छात्रों को दोबारा आवेदन भी नहीं करना होगा, तो जल्द ही नई तिथियों की घोषणा की दी जाएगी। इसमें क्या कारण निकल रहा है? देखिए, अभी निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियाँ थी जिसके कारण की परीक्षा स्थगित किया गया है। निश्चित रूप से देखिये, पहली शिफ्ट में 39 केंद्र थे यहाँ पर, जिसमें 19,800 बच्चे परीक्षा दे रहे थे, और दूसरी शिफ्ट में 29 सेंटर थे जिसमें 14,500 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखते हुए दोनों पारियों की परीक्षा स्थगित की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा से ठीक पहले व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की जानकारी मिली। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों पारियों की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। बता दें कि यूपी टेट परीक्षा 2 पालियों में होनी थी। पहली पाली में सुबह 10 से 12:30 और इस बीच प्राथमिक स्तर, और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से 5 बजे के बीच उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होनी थी। जानकारी के अनुसार यूपी सरकार 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी।